काउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती। टैली के इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे स्टॉक ग्रुप्स में डिस्प्ले और ऑल्टर ऑप्शन के बारे में, साथ ही बताएंगे कि किसी स्टॉक ग्रुप को डिलीट कैसे करते हैं। पर यह बताने से पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस वीडियो का सही लाभ लेना चाहते हैं तो जैसा आपको वीडियो में समझाया गया है ठीक उसी तरह 2-3 बार प्रैक्टिस जरूर करें। इसके पहले वाली वीडियो में हमने स्टॉक ग्रुप्स कैसे बनाते हैं यानी कैसे क्रिएट करते हैं ये देखा था। आइए अब इसके अन्य ऑप्शंस देख लेते हैं। यहाँ हम आपको याद दिला दें कि इस तरह के सभी ऑप्शंस का उपयोग हमने लेजर्स में डिस्प्ले, ऑल्टर और डिलीट वाली वीडियो में बताया था। करीब करीब वही तरीका यहाँ भी लागू होता है, फिर भी हम इसे शॉर्ट में समझ लेते हैं। जैसे आपने जो स्टॉक ग्रुप्स बनाए हैं, यदि आप उनकी डिटेल्स देखना चाहते हैं तो डिस्प्ले की सहायता से देख सकते हैं, और यदि आप पहले से बने किसी भी स्टॉक ग्रुप में कोई भी चेंज करना चाहते हैं तो वो ऑल्टर ऑप्शन की सहायता से कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। पहले हम आपको सिंगल स्टॉक ग्रुप में डिस्प्ले, ऑल्टर और साथ ही साथ ग्रुप को डिलीट कैसे करना ये बताते हैं। डिस्प्ले के लिए गेटवे ऑफ टैली पर आई की को प्रेस करें, फिर जी की प्रेस करें, फिर डी की प्रेस करें। लिस्ट ऑफ स्टॉक ग्रुप सारे ही है, आप जिस ग्रुप की डिटेल्स देखना चाहते हैं उस पर जाकर एंटर प्रेस करें। यहाँ पर आप ग्रुप की पूरी डिटेल्स देख सकते हैं। स्केप की से हम वापस गेटवे ऑफ टैली पर आ जाते हैं। अब ऑल्टर ऑप्शन के लिए गेटवे ऑफ टैली से आई की प्रेस करें, फिर जी प्रेस करें, अब ए प्रेस करें। लिस्ट ऑफ स्टॉक ग्रुप्स आ रही है, आप जिस भी ग्रुप को ऑल्टर करना चाहते हैं उस पर जाकर एंटर प्रेस करें। यहां से आप स्टॉक ग्रुप के नाम या अंडर में वो प्राइमरी या किसी अन्य ग्रुप में बना हो तो उसे चेंज कर सकते हैं। स्केप की से हम वापस गेटवे ऑफ टैली पर आ जाते हैं। यदि आप किसी स्टॉक ग्रुप को डिलीट यानी समाप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए गेटवे ऑफ टैली पर आई की प्रेस करें, अब जी प्रेस करें, अब ए प्रेस करें। ये लिस्ट ऑफ स्टॉक ग्रुप्स आ रही है, अब आप जिस ग्रुप को डिलीट करना चाहते हैं उस पर जाकर एंटर प्रेस करें, अब ऑल्टर और डी प्रेस करें। अब यदि डिलीट करना चाहते हैं तो वाई प्रेस करें। यहां पर एक खास बात ध्यान रखें, आपने जिस ग्रुप में कोई भी सब ग्रुप्स और स्टॉक आइटम्स बनाए हुए होंगे उसे आप डिलीट नहीं कर पाएंगे, और अगर आपको उसे डिलीट करना है तो पहले आपको उसके अंदर बने सब ग्रुप्स और स्टॉक आइटम्स डिलीट करना होंगे। एस्केप की मदद से फिर से गेटवे ऑफ टैली पर आ जाएं। चलिए अब हम आपको मल्टीपल स्टॉक ग्रुप्स में डिस्प्ले और ऑल्टर ऑप्शन का उपयोग बता देते हैं। यदि आप किसी एक ग्रुप के अंतर्गत बने सभी सब ग्रुप्स की डिटेल्स देखना चाहते हैं तो गेटवे ऑफ टैली पर आई प्रेस करें, फिर जी प्रेस करें, फिर आई प्रेस करें। लिस्ट ऑफ स्टॉक ग्रुप्स आ रही है, इसमें से आप वो ग्रुप सेलेक्ट करें जिसके अंतर्गत बने सभी सब ग्रुप्स की डिटेल्स आप देखना चाहते हैं। देखिए टीवी के सब ग्रुप्स बनाते समय जो डिटेल्स दी थी वो यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। स्केप की से गेटवे ऑफ टैली पर आ जाएं। अब अगर आप सभी ग्रुप्स की डिटेल्स एक साथ देखना चाहते हैं तो गेटवे ऑफ टैली पर आई की प्रेस करें, जी प्रेस करें, आई प्रेस करें। लिस्ट ऑफ स्टॉक ग्रुप्स आ रही है, यहाँ पर आपको ऑल आइटम सेलेक्ट करना है जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है, अब एंटर प्रेस करें। ये देखिए सभी स्टॉक ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं, साथ ही उनको बनाते समय जो डिटेल्स दी गई थी वो भी दिखाई पड़ रही हैं। वापस गेटवे ऑफ टैली पर आ जाएं। अब यदि आप किसी एक स्टॉक ग्रुप के अंतर्गत बने किसी एक या एक से अधिक स्टॉक ग्रुप्स को ऑल्टर करना चाहते हैं तो गेटवे ऑफ टैली पर आई प्रेस करें, जी प्रेस करें, अब टी प्रेस करें। ये लिस्ट ऑफ स्टॉक ग्रुप्स आ रही है, यहाँ से आप वो स्टॉक ग्रुप सेलेक्ट करें जिसके अंदर बने हुए ग्रुप या ग्रुप्स में ऑल्टरेशन करना है। यहाँ से आप स्टॉक ग्रुप्स के नाम या अंडर में वो जिस भी ग्रुप में बना है उसे चेंज कर सकते हैं।
अब आपने जितने भी स्टॉक ग्रुप्स बनाए हुए हैं, यदि उनमें एक साथ ऑल्टरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए गेटवे ऑफ टैली में आई प्रेस करें, जी प्रेस करें, अब टी की को प्रेस करें। ये लिस्ट ऑफ स्टॉक ग्रुप्स आ रही है। यहाँ ऑल आइटम्स सिलेक्ट करना होगा जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है। एंटर प्रेस करें। यहाँ से आप किसी भी स्टॉक ग्रुप के नाम या अंडर में वो जिस भी ग्रुप में बना है उसे चेंज कर सकते हैं। इस वीडियो में आपने स्टॉक ग्रुप्स के अंतर्गत आने वाले डिस्प्ले और ऑल्टर ऑप्शंस के बारे में समझा, साथ ही ये भी जाना कि किसी स्टॉक ग्रुप को डिलीट कैसे कर सकते हैं। स्टॉक ग्रुप्स के बाद यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट को समझना होगा, क्योंकि जब टैली में कोई भी स्टॉक आइटम बनाया जाता है तो उस समय स्टॉक आइटम को मापने की जो भी इकाई हो वो उसमें जोड़ना जरूरी होती है, तभी उस स्टॉक आइटम का ठीक से उपयोग किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि स्टॉक आइटम्स के पहले आपको यूनिट्स ऑफ मेजर ऑप्शन की सहायता से यूनिट बनानी होगी, जो कि हम अगली वीडियो में बताएंगे। और उसके बाद वाली वीडियो में हम स्टॉक आइटम्स के अंतर्गत आने वाले क्रिएट, डिस्प्ले और ऑल्टर ऑप्शन को समझाएंगे, साथ ही ये भी बताएंगे कि किसी स्टॉक आइटम को डिलीट कैसे करते हैं।